रिटर्न टू स्केल था, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. सेकेंड था कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल. थर्ड डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. याद आया कुछ? बताओ. यस मैम. ठीक, आप देखो इसमें देखो जो डिक्रीजिंग बचा था इसमें देखो. सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस, ये जीरो है. ठीक, तो ये देखो ये जो पॉइंट है नीचे, इसको बोलते हैं अपन यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल. और एक्स एक्सिस में हम दे रहे हैं आउटपुट. ये देखो ये प्रोडक्शन है, पी यहाँ पे प्रोडक्शन को मेंशन कर रहा है और क्यू यहाँ पे क्वांटिटी. अगर इसमें डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में क्या होगा, अगर हम लेबर भी बढ़ाते जा रहे हैं और क्या कैपिटल भी अगर हम बढ़ा रहे हैं, सपोज इतने से क्यू से कितना कर दिया अपन उसको, क्यू वन की तरफ कर दिए, ये है ना. लेकिन जो अपना प्रोडक्ट है ये देखो, ये इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा. मतलब ये देखो ये जो रेशियो है बढ़ रहा है लेकिन कम, किसके कंपैरिजन में, क्वांटिटी में. तो डिक्रीज हुआ मतलब बढ़ तो रहा है रिटर्न अपना, बट डिक्रीजिंग वे में हो रहा है, डिक्रीजिंग वे में हो रहा है. ये आ रहा है समझ में, डिक्रीजिंग वे में हो रहा है. यस मैम. नेक्स्ट देखो, किसी को डाउट है? और ये जो डायग्राम है ना, ये देखो ये ऐसे जाएगा ऐसे. इसको मैं फिर से बना के देती हूँ आपको एकदम फेयर में, आप उस पर बनाना. बताओ. देखो ये वाला जो पोर्शन है इसको एरो, ये एरो इसलिए देना पड़ता है कि हमको ये समझाएंगे अपन यहाँ पे कि यहाँ जितने ज़्यादा डिफरेंस से बढ़ रहा है यहाँ पे उतने ही कम डिफरेंस से आ रहा है. तो ये वाला जो है अपना यूनिट ऑफ लेबर एंड कैपिटल, बोलो बेटा डायग्राम समझ में आ रहा है? कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा. इसको मेंशन करना आर और इसको मेंशन करना डी. ये हो गया अपना आउटपुट. वॉइस आ रहा है मेरा? यस मैम. डायग्राम समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस मैम. तो मैं इतनी देर से पूछ रही हूँ, रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो बेटा आप लोग?
बीच में नेटवर्क इश्यू हो गया था क्या? मैम मैं यस मैम बोली थी। नेटवर्क वीक था शायद। देखो ये आउटपुट, ये यूनिट ऑफ लेबर एंड कैपिटल, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, रफ करूं ये, आप एग्जाम में सेम ऐसे बनाना जैसे ये वाला बनाया मैंने, ये वाला। रफ करूं? अरे यस बहुत मैम। सारा, बस एक ही लड़की है क्या क्लास में? अब नेक्स्ट देखो, अगर कुछ कंपेयर करेंगे अब, डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और रिटर्न टू स्केल को, तो कैसे करेंगे डिफरेंस बताओ, कैसे होगा उसका डिफरेंस? बेसिक डिफरेंस बताते चलो। फर्स्ट डिफरेंस बताओ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये शॉर्ट पीरियड में यूज होता है, ये बताया था मैंने आप लोगों को। और रिटर्न टू स्केल किस में काम आता है? लॉन्ग पीरियड या फिर लॉन्ग रन में। याद आया ये वाला कॉन्सेप्ट, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का? ये बेसिस ऑफ डिफरेंस में यस मैम, है ना। शॉर्ट रन लॉ ऑफ प्रोडक्शन करके था। हाँ, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन था और ये लॉन्ग रन। तो आप लिखना, इट इज स्टडीड विथ रेफरेंस टू शॉर्ट पीरियड एंड इट इज स्टडीड विथ रेफरेंस टू लॉन्ग पीरियड। फिर नेक्स्ट देखो, चेंज ऑफ फैक्टर्स, क्या क्या चेंज होते हैं फैक्टर्स इसमें? सिर्फ एक ही फैक्टर में चेंज होता है, ठीक। देयर इज चेंज, जो फैक्टर मींस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है, लैंड लेबर कैपिटल। तो इसमें चेंज क्या होता था? देयर इज चेंज इन लेबर, मतलब वेरिएबल फैक्टर ओनली। और इसमें देयर इज चेंज इन ऑल फैक्टर्स, होता है कि नहीं? इसमें कैपिटल भी चेंज होती है, लेबर भी चेंज होता है, बताया था कि नहीं मैंने? देयर इज चेंज इन ऑल फैक्टर्स लिखेंगे। थर्ड देखो, फैक्टर रेशियो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में टेक्नोलॉजी सेम रहता है, रिमेन सेम कांस्टेंट। हाँ कांस्टेंट होता है, इसलिए बोल रही हूँ कि सिर्फ इसमें देयर इज चेंज इन लेबर में होता है ना, सिर्फ चेंज। चेंज होने क्या होता है? चेंज, जैसे पहले उसमें जीरो था, फिर वन आया, टू आया, थ्री, फोर, तो किस में चेंज हो रहा था? उसमें सिर्फ लेबर में हो रहा था। और इसमें किस में चेंज हो रहा था? लेबर के साथ साथ कैपिटल। और हम कैपिटल से ही क्या लेते हैं? लैंड भी लेते हैं और टेक्नोलॉजी भी। आ रहे समझ में? इसलिए लिखा था इसमें देयर इज चेंज इन ऑल फैक्टर्स। अब थर्ड देखो, यस फैक्टर मैम। रेशियो, जो इसमें रेशियो था, किस किस का कैलकुलेट हो रहा था? फिक्स्ड रेशियो बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर चेंज हो रहा था। जैसे ये देखो, जैसे लेबर ये लिया था मैंने और ये लैंड हमेशा 5 एकड़ ही थी उसमें ऑलमोस्ट, ठीक ही नहीं? ठीक। रेशियो देखो, पहले 0:5 बन रहा है, ये 5:0, फिर रेशियो क्या बना? 5:1, 5:2, 5:3, 5:4। तो ये रेशियो देखो चेंज होते जा रहा है बार बार। तो जो फैक्टर है, जैसे रेशियो, थर्ड पॉइंट क्या है? फैक्टर रेशियो है। ये देखो इसमें क्या लिखा है, फिक्स्ड एंड
वेरिएबल फैक्टर चेंजेस, इसमें लिखना द रेशियो बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर चेंजेस। देखो ये चेंज हो रहा है, इसमें क्या होता है जो लेबर और कैपिटल था उसका चार्ट निकाल के देखो, लेबर और कैपिटल इक्वल क्वांटिटी में बढ़ रहे थे, कभी 100 तो दोनों 100, 50 तो दोनों 50, 20 तो दोनों 20। कैलकुलेट करवाई थी याद है आप लोगों को कि ओल्ड माइनस न्यू करवाती थी, फिर अपॉन करवाती थी ओल्ड से इनटू 100, लेबर का भी करते थे आप लोग और ऐसे ही कैपिटल का, और दोनों का परसेंट हमेशा आपके में क्या आता था, सेम आता था। इट मीन्स रेशियो बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर रिमेन्स सेम। आ रहे समझ में मैं क्या बोल रही हूं? सेम अपन फिर जैसे इसका लेबर का करते थे तो 2-1 करते थे, अपॉन क्या करते थे 1 × 100, तो कितना आता था 100। तो दोनों का हर बार क्या होता था, सेम आता था, इसलिए एक ही लिखवाती थी मैं। तो ये रेशियो बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर रिमेन्स सेम। नेक्स्ट देखो स्केल ऑफ प्रोडक्शन, देखो स्केल ऑफ प्रोडक्शन फोर्थ पॉइंट लिखना आप लोग इसमें, स्केल ऑफ प्रोडक्शन समझ लो, नोट्स तो आपको मैं वैसे भी क्लास में दे ही दूंगी। जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है इसमें लिखना सेम रहता है, रिमेन्स सेम, और स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंजेस। नेक्स्ट देखो मैम, बोलो मैम, प्रोडक्शन सेम कहाँ रहता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में? ऊपर नीचे होता है ना वो भी तो। मैम प्रोडक्शन लिखा है, क्या लिखा है, ये पढ़ो। स्केल ऑफ प्रोडक्शन, स्केल ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है साइज ऑफ प्लांट। ये देखो ये लैंड, यस मैम, सेम थी ना इसमें और इसमें वेरी कर रही थी। स्केल ऑफ प्रोडक्शन की मीनिंग अगर आप लोगों को नहीं पता है तो लिख लो एक जगह पे, मैं बोल रही हूँ, लिखना है स्केल ऑफ प्रोडक्शन की मीनिंग। स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज सेट बाय, यस मैम, स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज सेट बाय साइज ऑफ प्लांट, नंबर ऑफ कॉमा, साइज ऑफ प्लांट के बाद कॉमा डालना, नंबर ऑफ प्लांट्स इंस्टॉल्ड एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एडॉप्टेड बाय प्रोड्यूसर। देखो स्केल ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन किससे सेट होती है, जो साइज ऑफ प्लांट होती है उससे, मतलब कितने एकड़ में है, कितना बड़ा है, नंबर ऑफ प्लांट्स, कितने प्लांट्स हैं आपके पास, कितने इंस्टॉल्ड हैं, या और कौन कौन सी टेक्निक प्रोडक्शन की अडॉप्ट की गई है, किसके द्वारा, प्रोड्यूसर के द्वारा। आया समझ में? यस मैम। किसी को डाउट है अब स्केल ऑफ प्रोडक्शन में? तो जो शॉर्ट रन में होता है ना वो सेम रहती है, जैसे टेक्नोलॉजी कांस्टेंट हो गई, लैंड सेम हो गई, है ना, तो ये कांस्टेंट होती है उसमें, इसलिए लिखा है स्केल ऑफ प्रोडक्शन रिमेन सेम। और जो सेकेंड वाला था रिटर्न टू स्केल, उसमें क्या हो रहा था, जो अपना वो था क्या बोलते हैं, जो लेबर था और कैपिटल था वो क्या होते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, ठीक, लैंड जो भी है वो भी चेंज होते जा रहा था, उसमें मैंने लिखवाया नहीं था, बट जितने भी दूसरे फैक्टर्स हैं वो सब क्या होते हैं उसमें, वेरी करते जाते हैं, मैंने लिखवाया था ना, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर वेरिड,
तो साइज ऑफ प्लांट, नंबर ऑफ प्लांट सब क्या होते जा रहा था, वो चेंज होते जा रहा था। आया समझ में स्केल ऑफ प्रोडक्शन का मतलब? अभी भी किसी को डाउट है यस तो मैम. पूछ लो जल्दी से। नेक्स्ट देखो, लास्ट रीजन क्या था, है ना, रीजन फॉर ऑपरेशन ऑफ लॉ। आप लोग सिर्फ समझो, नोट्स वो आपको अलग से मिल जाएंगे। जो फेज वन होता है उसमें क्या होता था, वेरिएबल प्रोपोर्शन में फेज वन में क्या होता था, फेज वन में क्या होता था, इंक्रीज होते जाते थे रिटर्न्स, ठीक। ड्यू टू, देखो लैंड 5 थी शुरू से ही उसमें, है ना, लेबर धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो जो जमीन थी ये लैंड ये तो बहुत कम यूज हो रहा था। ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ, वो लिख सकते हो फिक्स्ड फैक्टर्स, क्यों इंक्रीज होते हैं, ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स, ठीक, और स्पेशलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स, ये फेज वन में होता है ऐसा। और फेज थ्री में क्या हो जाता है, पूरा डिमनिश होते जाता है, खत्म होते जाता है। तब क्या होता है, लैंड तो उतनी है लेकिन लेबर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 8, 9, 10। सोचो पहले इतने में ही कम था तो अंडर यूटिलाइज हो रहा था, अब ज्यादा हो गया है तो ओवर यूटिलाइजेशन हो गया, तो ऑप्टिमम नहीं हुआ तो नॉन ऑप्टिमम हो गया, नॉन ऑप्टिमम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिर क्या लिखना, इम्परफेक्ट इलास्टिसिटी, बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता है डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग। फिर इसमें क्या होता है, फेज वन में इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है, इसमें सेकेंड स्केल तो कांस्टेंट होती है, और थर्ड फेज क्या होती है इसकी, डिक्रीजिंग, इसमें भी क्या होते जाता है, डिक्रीजिंग होते जाते हैं। लेकिन जो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है इसमें उसका रीजन होता है ड्यू टू डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिस इकोनॉमीज, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इसमें क्यों होता है, इम्परफेक्ट इलास्टिसिटी की वजह से, रीजन इतना कम क्यों होते जाता है, इम्परफेक्ट इलास्टिसिटी। लेकिन इसमें जो डिक्रीजिंग रिटर्न होता है रिटर्न टू स्केल में उसका रीजन होता है ड्यू टू डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। देखो अब डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की मीनिंग बता रही हूँ, उसको ध्यान से समझना। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल इसका मतलब होता है कंपनी या बिजनेस है वो अब इतनी बड़ी हो गई है, कंपनी और बिजनेस अब बढ़ते जा रही है ना, लेकिन अब वो इतनी, सपोज इतनी बड़ी हो गई है अचानक से, उसमें पैसा लगते जा रहा है, लोगों को जॉब मिलते जा रही है, कंपनी का प्लांट साइज भी बढ़ते जा रहा है, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समझते हो ना, किसी चीज को प्रोड्यूस करने की जो लागत होती है, वो जब इतनी कंपनी जब बड़ी होती है तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है वो कम होते जाता है। लेकिन हम ऐसे सिचुएशन में पड़ गए हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ते जा रहा है, आ रहे समझ में, कि खर्चे अब इतने बढ़ गए हैं कि जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कम होने की जगह क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है, तो उसको बोलते हैं डिस इकोनॉमिक्स। इसका एक टॉपिक पढ़ेंगे अपन, इकोनॉमिक्स, सॉरी इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होते जाती है, और डिस इकोनॉमिक्स में क्या हो जाता है कि कंपनी की साइज तो बढ़ रही है लेकिन साथ में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ते जा रही है। आया समझ में? यस मैम. बस एक ही को आया, स्केल ऑफ प्रोडक्शन, जिसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपके उसमें सिलेबस में, इससे एक क्वेश्चन रेडी होगा हमेशा, और वो क्वेश्चन क्या होगा देखो लो।
वॉट आर इंटरनल इकोनॉमिक्स, देखो इकोनॉमिक्स से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है ना, ऑफ स्केल एनालाइज, फिर इससे एक क्वेश्चन बनता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन, याद रखना लार्ज स्केल प्रोडक्शन इसी टॉपिक से निकलेगा ना, मैरिट्स एंड डीमेरिट्स, या फिर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक, इंटरनल इकोनॉमिक्स हो गया, एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स हो गया। तो देखो मैंने अभी आपको बताया ना स्केल ऑफ प्रोडक्शन या इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ये सब क्या होता है, अभी मैंने आपको स्केल ऑफ प्रोडक्शन की मीनिंग बताई थी कि नहीं, क्या बताया था मैंने आपको स्केल ऑफ प्रोडक्शन, बताओ एक्सप्लेन करो मुझे। स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज सेट बाय साइज ऑफ प्लांट्स इंस्टॉल्ड एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन अडॉप्टेड बाय द प्रोड्यूसर। ठीक, कोई हिंदी में एक्सप्लेन करेगा मेरे को एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगी स्केल ऑफ प्रोडक्शन की? आदिति, उसके प्लांट के साइज और नंबर ऑफ प्लांट्स और टेक्नोलॉजी जो प्रोड्यूसर अडॉप्ट करता है उसको बोलते हैं। हाँ, मतलब उस फर्म की, इन शॉर्ट हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं कि फर्म की कितनी कैपेसिटी है चीजों को प्रोडक्शन करने की, या फर्म कितनी कैपेबल है प्रोडक्शन के लिए, इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं। यस मैम। अब नेक्स्ट देखो, जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है अब हम उसको टू कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, ठीक, एक है लार्ज स्केल और एक होगा स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। स्केल ऑफ प्रोडक्शन का सिंपल मीनिंग आप लोग अगर ये देखना चाहो तो ये बोल सकते हो साइज ऑफ प्रोडक्शन यूनिट, साइज ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। ये मैंने आपको अभी भी बताया था कि इन शॉर्ट फर्म की कितनी कैपेसिटी है, फर्म की कैपेसिटी मतलब कितना प्रोड्यूस करने की। सपोज अगर मैं आपको ये एक एग्जांपल से बोलूं कि फर्म अभी 5000 बॉक्सेस प्रोड्यूस करती है अपनी 50% कैपेसिटी पे, आ रहे समझ में? मतलब फर्म अभी अपनी कितनी कैपेसिटी यूज हो रही है, 50% कैपेसिटी ही यूज कर रही है, और उसमें कितना प्रोड्यूस कर रही है 5000 बॉक्सेस। अगर फर्म अपना 100% देगी तो कितना प्रोड्यूस करेगी? बोलो, मैम क्वेश्चन एक बार रिपीट करना। तो अगर फर्म 5000 बॉक्सेस प्रोड्यूस कर रही है अपनी 50% कैपेसिटी पे, तो जब फर्म अपना पूरा 100% देगी तो कितना बॉक्सेस प्रोड्यूस करेगी? 100,000। कौन बोला 100 और कौन बोला 1,00,000? मैम मैं 100 बोली आदिति। अच्छा, और 1,00,000 कौन बोला? मैम मैं हनी वर्मा। शुभम बताओ कितना प्रोड्यूस करेगी फर्म? प्रशांत, योगिता, आरती, मैम 10,000। कौन बोला 10,000? प्रशांत। यस मैम 10,000। और कौन बोल रहा है 10,000? मैम योगिता। शांत, योगिता, शुभम कुछ बोलना है? बस सोना है आज। देखो ये आएगा ना 10,000, अरे जब 50% पे 5,000 प्रोडक्शन कर रही है तो 100% पे कितना करेगी? 10,000 करेगी ना। मैम 50,000 सुनी, लिखा क्या है यहाँ पे? सॉरी।
ओके, तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है? फर्म की कैपेसिटी, फर्म कैपेसिटी टू साइज ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट, वही होता है बेटा सर, साइज ऑफ प्रोडक्शन लिमिट भी बोल सकते हैं इसको, कि प्रोडक्शन करने की कितनी लिमिट है, फर्म की कैपेसिटी क्या है प्रोडक्शन की, साइज ऑफ प्रोडक्शन लिमिट, और क्या तो इसमें मतलब ग्राफिक, मतलब ग्राफ से भी समझाना है क्या, टेबलर और ग्राफ से इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स? नहीं, हम सिर्फ इसको थ्योरीज में लेंगे। यस मैम। ठीक है, और क्या हो सकती है मीनिंग स्केल ऑफ प्रोडक्शन की, बताओ। टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड बाय प्रोड्यूसर लिख सकते हैं? यस मैम। टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड बाय प्रोड्यूसर, ठीक, और क्वालिटीज ऑफ लैंड लेबर एंड कैपिटल, हाँ मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सब है ना, लैंड लेबर ऑफ कैपिटल क्या है अपनी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक। अब देखो लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इसको हम टू पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक स्मॉल स्केल और एक लार्ज स्केल में, ठीक। तो पहले हम किससे पढ़ेंगे, लार्ज स्केल प्रोडक्शन पढ़ेंगे। लार्ज स्केल प्रोडक्शन क्या होता है, वो प्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें सारे फैक्टर्स, ठीक है, ऑल फैक्टर्स आर इंक्रीज्ड, सारे फैक्टर्स को क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज, और फर्म भी क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है। इट्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन, ऑब्वियस है, अगर हम लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो फर्म अपना एक्सपांड कर पाएगी। सेल, स्केल ऑफ प्रोडक्शन मतलब जितना मतलब प्रोड्यूस कर रही है उससे ज्यादा, आ रहा है समझ में? मतलब अगर फर्म की टोटल कैपेसिटी अभी सिर्फ 5000 बॉक्सेस है तो फर्म क्या कर रही है, अपने सारे फैक्टर्स को और बढ़ा रही है और अपना स्केल और बढ़ाना है, मतलब उसको अब वो 10,000 तक लेके जाना चाहती है अपने स्केल को, तो फर्म क्या करेगी, सारे फैक्टर्स बढ़ाएगी जिससे फर्म क्या कर सकेगी, अपना स्केल को क्या कर सकेगी, एक्सपांड कर सकेगी। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए क्या करना पड़ता है, फर्म को अपने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करने पड़ते हैं। ये आया समझ में? यस मैम। ठीक है, अब इसके आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे।